हेलो एवरीवन। तो अभी होली पास में ही लगभग आ गई है, तो धीरे धीरे अपने हम लोग तैयारी शुरू करेंगे, तभी हमारे होली वाले दिन सब कुछ अच्छे से मैनेज हो पाएगा। तो मैं जब ट्राई करूंगी होली तक, मैं आप लोगों को होली की स्वीट्स है, कुछ फ्यूजन रेसिपीज है और कुछ ड्रिंक भी हम बनाने का शुरू करेंगे। तो आज जो मैंने सबसे पहले शुरुआत की है अपने होली स्पेशल की, उसमें मैं बना रही हूँ ये ठंडाई। और होली पे ठंडाई ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता है। तो देखिए घर, और अगर घर की बनी ठंडाई हो तो एक तो वो प्योर है, हमने उसमें कुछ भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं मिलाया है और इसका हमने आर्टिफिशियल फ्लेवर कुछ नहीं है, सब चीज़ें हमारी प्योर होंगी। तो हमको फिर डर भी नहीं लगेगा कि हम कुछ गलत तो नहीं खा रहे या अपने कुछ अपने गेस्ट को हम गलत तो नहीं सर्व कर रहे। और बनाने में ये इतनी आसान है कि मोस्टली चीज़ें अपने घर में ही मिल जाएंगी। तो चलिए बहुत ज़्यादा देर बातें नहीं करते हुए हम अपना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो ठंडाई बनाने के लिए ड्राई फ्रूट्स, मैंने सबसे पहले हमें इसको 3 to 4 आवर्स हमको इसको सोक करना है, अदरवाइज आप ओवरनाइट भी इनको सोक कर सकते हैं। तो जो मैंने अभी इसके ठंडाई के लिए जो जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैंने लिया है, देखिए आलमंड्स हैं, कैश्यू नट्स हैं, और ये जो मगज़ गरी आती है जिसको हम वाटरमेलन सीड्स बोलते हैं वो भी लिए हैं। इसके बाद मैंने इसमें थोड़े से पम्पकिन सीड्स भी डाले हैं। फिर यहाँ पर मैंने ये जो इसके अंदर देखिए ये हरी इलायची जो है वो भी हमने इसमें भिगो दी है। इसके अंदर हमने जो सौंफ होती है वो भी, सौंफ है वो भी डाली है हमने, और इसपे रेजन किशमिश जो है वो भी डाली है। ये जो मैं ठंडाई बना रही हूँ वो वाइट पेस्ट में बना रही हूँ, तो इसके अंदर मैंने इतने डाला है। आप चाहें तो इसमें ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, यहाँ पर मैं इसके अंदर वाइट पेपर ऐड करूँगी, आप लोग इसमें वाइट ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। तो ये हमने सोक कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर ये पॉपी सीड्स जिनको हम पोस्तो या खसखस बोलते हैं वो भी यहाँ पर हमने लिए हैं। तो ये मैं लगभग 2 ग्लास बना रही हूँ। 2 ग्लास में मैंने 10 से 12 कैश्यू नट्स लिए हैं, 10 से 12 आलमंड्स लिए हैं, 10 to 12 रेजन किशमिश ली है, ये जो हमने मगजगिरी के बीज हैं वो हमने 2 टेबल स्पून लिए हैं, 1 टेबल स्पून हमने सौंफ ली है, 3 से 4 हमने जो ये कार्डमम होती है हरी इलायची वो ली है छोटी वाली। उसके बाद हमने इसमें ब्लैक जो वाइट पेपर है वो हम इसमें 1 टीस्पून लेंगे। खसखस यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून ली है, 1 टेबल स्पून ली है, और वो फूलने के बाद लगभग 2 टेबल स्पून जैसा हो जाएगा। तो ये सब मैंने सिक्स टू सेवन आवर्स हम मैंने इसको 6 आवर्स सोक करके रखा है। अगर आप लोगों को ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी है तो पूरी रात आप सोक करके रखेंगे तो भी चलेगा। तो चलिए अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले इन सबको मिक्सचर का हम पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाते समय हम ध्यान रखिएगा इसका जो पानी है हमको वो उस पेस्ट में नहीं डालना है, खाली हम ये सारे ड्राई फ्रूट्स डालकर इसमें हम अपने ग्राइंडर में डाल देंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ अभी कैसे करना है। सबसे पहले देखिए इस तरह से, और अगर मान लीजिए आपको अपने जो ग्राइंड करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसका पानी नहीं डाल के जो ड्राई फ्रूट्स में हम दूध में डालते हैं वो आप डालिएगा, इसका पानी मत डालिएगा, ठीक है। तो ये हम सारा इसमें डाल देंगे, अभी मैं फिर आपको पेस्ट करके बता। देखिए अभी हमारा ये पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। इसको देखिए एकदम फूल जाता है, थोड़ा आप इसको मिक्स कीजिएगा और बस इस टाइम हम इसको जितना हमको चाहिए उतना हम इसको, मान लीजिए ये तो अभी मैंने काफ़ी सारा, क्योंकि होली है तो ज़्यादा ही बनाकर रखना पड़ेगा, तो जितना मैंने आपको बताया था उसमें देखिए ये पूरा जार भर के बन गया है। अब आपको जब सर्व करना है तो आप इसमें से 1 ग्लास के लिए इतना निकाल लीजिएगा, और फिर उसको जो हमारा दूसरा जिसमें हम शेक वगैरह बनाते हैं, या अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो हैंड ब्लेंडर से आप इसको मिक्स कीजिएगा। तो चलिए अभी मैं आपको वो भी दिखा। अभी देखिए यहाँ पर हम इसका बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ लोग, आप अगर चाहें, आपको जल्दबाजी है अगर, या आपको सारा एक साथ अगर ये मिक्सचर सर्व करना है तो आप इसको पीसते टाइम ही इसमें शुगर डाल दीजिए। अगर मान लीजिए आपको नहीं सर्व करना है पीते टाइम में, तो मैं जनरली प्रिफर करती हूँ जिस टाइम मैं इसको बना रही हूँ फाइनली टच दे रही हूँ उस टाइम पे हम इसको बना शुगर इसमें डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर ये जो हमारा मिक्सचर है वो डाल दिया है, शुगर डाल दी है, और ये अब हम इसमें दूध डाल देंगे।
और अभी हम इसको फिर ब्लेंड कर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बनकर अभी तैयार हो गया है पूरा, और बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। इसमें थिक इसकी क्रीमी टेक्सचर देखिए, हमने कुछ भी इसमें क्रीम का नहीं मिलाया है, फिर भी इसमें क्रीमी टेक्सचर तो काफ़ी सारा आ रहा है। तो चलिए अभी हम इसको सर्व करते हैं। तो एक ग्लास लेंगे, उसमें ये पोर कीजिएगा। आप इसको छान भी सकते हैं, मैं जनरली इसमें ड्राई फ्रूट्स रहते हैं तो छानती नहीं हूँ। तो देखिए इसमें इस टाइम पे हम इसके अंदर आइसक्रीम भी डाल सकते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और आइसक्रीम की रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप चाहें तो मैं आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, तो आप वो आइसक्रीम भी देखिए। चलिए मैं अभी आइसक्रीम निकाल के लाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो देखिए बस ये आइसक्रीम का स्कूप एक हमने निकाला, उसको ऐसे डाल दीजिएगा उसके ऊपर, एक दो स्ट्रिंग्स हम केसर के डाल देंगे, और दिवाली इसका होली का त्यौहार है और हमारी चीज़ कलरफुल नहीं हो तो भी मज़ा नहीं आता है, तो थोड़े से इसके ऊपर हम रोज़ पेटल भी डाल देंगे। तो देखिए ये केसर हमारी ठंडाई तैयार है बिल्कुल पीने के लिए। आप इसको जरूर ट्राई कीजिए, और एक बार जब आप इसको पियेंगे तो आप हमेशा के लिए बाजार वाली जो ठंडाई है वो पीना भूल जाएंगे। और नो डाउट इसमें प्योर तो प्योरिटी का तो कोई वो ही नहीं है, प्योर तो ये पूरी है, इसमें हमने सब कुछ घर का ही यूज़ किया है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए और होली का पूरा इंजॉय अपने पूरे परिवार के साथ मनाइए। थैंक यू।